वैसे तो कांग्रेस ने बहुत सारे घटिया कानून बनाए हैं, लेकिन एक कानून उन्होंने बहुत ही घटिया बनाया 1991 में, 1991 में जब राम मंदिर का मूवमेंट अपने जोरों पे था, अयोध्या में कार सेवा शुरू हो चुकी थी, अयोध्या का मूवमेंट चारों तरफ चर्चा हो रही थी, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे जब ये नारा लग रहा था, उस समय कांग्रेस ने एक महाघटिया कानून बनाया, उसका नाम है पूजा स्थल कानून। नाम बड़ा अच्छा है, पूजा स्थल कानून, नाम से तो ऐसे लगता है किसी पूजा स्थल के रखरखाव के लिए है, लेकिन एक्चुअल में ये पूरी तरीके से हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख के धार्मिक अधिकारों का विरोधी है। ये कानून कहता क्या है? ये कहता है कि हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख ये अपने धार्मिक अधिकारों के लिए, यानी इनके जो मंदिर, चाहे वो जैन मंदिर हो, चाहे हिंदू मंदिर हो, चाहे बौद्ध मंदिर हो, बौद्ध का स्तूप हो, या सिखों के जो गुरुद्वारे हैं या सिखों के मंदिर, जो कुछ तोड़े गए थे आक्रांताओं के द्वारा, मुगलों के द्वारा, बाबर, हुमायूं, अकबर और उनके बच्चों के, उनके लड़कों के द्वारा, उनके खानदान के द्वारा, उनके सैनिकों के द्वारा, उसको रिस्टोर करने के लिए, उसको वापस लेने के लिए हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख कोर्ट नहीं जा सकते, ऐसा घटिया कानून। तो पहली बात तो यह कानून इसलिए घटिया है कि सरकार का काम लीगल एक्ट को लीगलाइज करना होता है, इलीगल एक्ट को इलीगल डिक्लेयर करना होता है। सरकार का काम गलत कार्य को गलत घोषित करना और सही कार्य को सही घोषित करना है, लेकिन उल्टा किया सरकार ने। सरकार ने मुगलों के आक्रांताओं के, आतंकवादियों के गलत कार्य को लीगलाइज कर दिया, यानी जितने भी, चाहे वो जौनपुर की अटाला मस्जिद हो, वाराणसी की ज्ञानवापी हो, मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि हो, इस तरीके से भद्रकाली है, भोजशाला है, भारत में बहुत सारे प्रमुख मंदिरों को जिनको उन आतताइयों ने तोड़ा था, उसको रिस्टोर करने के लिए, उसको वापस लेने के लिए हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख कोर्ट नहीं जा सकते। यह पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ। दूसरा, सरकार यह कह रही है कि आपका विवाद का समाधान, अब अगर कोई मामला कोर्ट में गया है तो वो अपने आप खारिज हो जाएगा, यानी कोई मुकदमा अगर कोर्ट में गया तो खारिज हो जाएगा, मुकदमा चलेगा ही नहीं, नया कोई मुकदमा जाएगा नहीं और जो पुराना मुकदमा चल रहा है वो चलेगा नहीं। ये कंप्लीटली रूल ऑफ लॉ का वायलेशन है। अगर भारत में कोर्ट के जरिए विवाद का समाधान नहीं होगा तो फिर होगा कैसे? किसी भी सेकुलर कंट्री में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो विवाद का समाधान होता है या तो पंचायत के जरिए होता है या कोर्ट के जरिए होता है, लाठी डंडे से नहीं होता। ये कोई पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश नहीं है, यहां तालिबान की सरकार नहीं है कि लोग जिनको जहां चाहिए वहां पर डंडा बंदूक लेके पहुंच जाए, कब्जा कर ले। भारत एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए यहां जो भी डिस्प्यूट होगा उसका दो ही तरीका है, या तो मिल बैठ के बात करना, उसका समाधान करना मीडिएशन के द्वारा, पंचायत के द्वारा, या कोर्ट के जरिए। चूंकि मीडिएशन के द्वारा राम मंदिर का समाधान नहीं हो पाया तो स्वाभाविक सी बात है काशी, मथुरा, भद्रकाली, जौनपुर और जितनी इस तरीके का और भी हैं उनका समाधान तो होगा नहीं, कोई मानेगा नहीं। और पंचायत से हो नहीं सकता, मीडिएशन से हो नहीं सकता, कोर्ट आप जा नहीं सकते। तो ये रूल ऑफ लॉ का धज्जियां उड़ाई गई हैं इस कानून के द्वारा, इसलिए कानून गलत है। तीसरी बात, राइट टू जस्टिस सबका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में। सबको कोर्ट जाने, कोर्ट के जरिए अपना न्याय मांगने का हक है, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सबको हक है, लेकिन ये कोर्ट का दरवाजा बंद कर रहा है, इसलिए आर्टिकल 21 का भी वायलेशन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अगर इस तरीके का जो विवाद हुआ है, जो हिंदू मुस्लिम का विवाद भी नहीं है बल्कि विवाद है कुछ लोगों का, उदाहरण के लिए जैसे काशी का विवाद है जो ज्ञानव्यापी है, हिंदुओं के लिए तो स्वाभाविक सी बात है, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है, उस 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग वो ज्ञानवापी है, वहां पे पूजा पाठ होती थी, वहां काशी में थे, काशी में है, वहां पूजा पाठ होती थी, तो इसका जिक्र तो वेद पुराण में है,
लेकिन ज्ञानवापी जिक्र कहीं कुरान में या किसी हदीस में तो नहीं है। तो मुस्लिम्स के लिए वो आस्था का केंद्र नहीं, लेकिन हिंदुओं के लिए पौराणिक आस्था का केंद्र है, महत्वपूर्ण आस्था का केंद्र है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चंद लोग जो वहां पे ज्ञानवापी पे कब्जा करके बैठे बैठे हुए हैं और ज्ञानवापी के माध्यम से हर साल करोड़ों रुपए कमाते हैं, वो इस पूरे विवाद को हिंदू बनाम मुस्लिम कर रहे हैं। ये हिंदू बनाम मुस्लिम का विवाद नहीं है, ये हिंदू बनाम ये भारत बनाम विदेशी आक्रांताओं का विवाद है। एक तरफ भारतीय भारत के लोग जो भारतीय संस्कृति भारतीय सभ्यता में विश्वास करते हैं, भारतीय देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं और भारतीय संस्कार को मानते हैं, एक तरफ वो है। दूसरी तरफ कौन है? वो चंद लोग जो बाबर हुमायूं अकबर के द्वारा तोड़ी गई मस्जिद से हर साल करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। वहां पे भारत के सभी मुसलमानों का कुछ लेना देना नहीं, ना मथुरा से लेना देना नहीं, ना काशी ज्ञानवापी से, ना जौनपुर की अटाला से। ये तो चंद वहां में मौलवी है जो उस मस्जिद पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, वहां से चंदा ले रहे हैं, वहां से चढ़ावा ले रहे हैं, उनको विदेशों से भी पैसा आ रहा है, लेकिन अपना कब्जा बनाए रखने के लिए इस पूरे विवाद को हिंदू बनाम मुस्लिम कर रहे हैं। ये हिंदू बनाम मुस्लिम का विवाद नहीं, ये प्योरली एक तरफ हिंदुओं का विवाद तो है क्योंकि उनकी सभ्यता उनकी संस्कृति की बात है, लेकिन मुस्लिम्स का नहीं है। भाई मुस्लिम से क्या लेना देना, मुस्लिम यहीं के रहने वाले, 300-400 साल पहले जो भारत में मुसलमान ये सब हिंदू थे। ऐसा नहीं कि कोई अरब से आने वाले हैं, कोई कहीं से बाहर से आए हुए हैं। जो आए थे अरब से, जो आए थे अफगानिस्तान से, या जो आए थे विदेशों से, सब छोड़ छोड़ के वापस भाग गए, उनके बच्चे भी आ नहीं, वो सब अपने परिवार से ही चले गए। तो यहां जो है वो तो 300-400 साल पहले कोई ब्राह्मण था, कोई क्षत्रिय था, कोई बनिया था, कोई हरिजन था, कोई यादव था, सब ऐसे लोग हैं, उनको उन्होंने कन्वर्ट किया था। इसलिए मेरा निवेदन है कि भारत के सभी मुस्लिम्स इसको समझें कि ये जो विवाद है ये हिंदू मुसलमान का विवाद नहीं है, पूरी तरीके से भारतीय संस्कृति बनाम विदेशी आक्रांताओं का विवाद है। और जिन स्थानों का जिक्र वेद पुराण में है, चाहे वो मथुरा की जन्मभूमि का मामला हो, काशी में ज्ञानवापी का मामला हो, जैसे जौनपुर की बहुत फेमस अटाला है, ये जो विवाद है इसको अपने आप से न जोड़े, ये हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट अपने आप में भी, इसका जो सेक्शन 4 है उसका सब क्लॉज 3, वो अपने आप में कहता है कि ये कानून पुराने ढांचों पर लागू नहीं होगा जो 100 साल पहले बने। तो बड़ी सीधी सी बात है, ज्ञानवापी 100 साल पुरानी है, मथुरा में जो ईदगाह मस्जिद है वो भी 100 साल पुरानी है, वो तो मुगल बना के गए थे, तो 200-300 साल पुरानी, 400 साल पुरानी है। तो ये जहां पे जिन जगहों के विवाद चल रहे हैं वहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू भी नहीं होता। इसलिए ये सोचना, पहली बात तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अपने आप में गलत है, वो अपने आप में इलीगल है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मेरी PIL सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जब भी इस पर सुनवाई होगी ये कानून खत्म होगा, ये कानून टिक नहीं सकता, ये कानून रुक ही नहीं सकता, क्योंकि कंप्लीटली संविधान के खिलाफ है। आर्टिकल 14 कहता है रूल ऑफ लॉ होगा ये, और ये कह रहा है कि नहीं भारत में भीड़ तंत्र चलेगा, ये रूल ऑफ लॉ मानता ही नहीं, तो कोर्ट का दरवाजा बंद कर रहा है। आर्टिकल 15 कहता है भेदभाव नहीं करना है किसी के बीच में, और ये कानून भगवान कृष्ण और भगवान राम के बीच में विवाद कर रहा है। भगवान राम और कृष्ण, इनको हमारे संविधान की दृष्टि में इनको ज्यूरिस्टिक पर्सन कहा जाता है, ये भगवान तो है लेकिन हमारे कोर्ट के नजरिए, कोर्ट की नजरों में ये भी एक इंसान है, इनको व्यक्ति माना जाता है। जैसे अयोध्या में कहते थे रामलला विराजमान, तो वैसे जो मथुरा का है वहां पे भगवान कृष्णलला, तो इनको ज्यूरिस्टिक पर्सन माना गया है। तो राम और कृष्ण दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। अयोध्या के मंदिर को कोर्ट के इस कानून के दायरे से बाहर निकाल देना और मथुरा का जो मंदिर उसको कानून के दायरे में रख लेना, ये तो कंप्लीटली वायलेशन हो गया, आर्टिकल 14-15 का वायलेशन हो गया। इसी तरीके से कोर्ट का दरवाजा बंद कर देना, ये आर्टिकल 21 वायलेशन हो गया। और सबसे बड़ी बात ये, भारत का संविधान, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय खान पान, इसको प्रोटेक्ट, प्रमोट, प्रोपोगेट करता है। कहने का मतलब, भारत का संविधान भारतीयों के लिए बना है और भारतीय भाषा, भारतीय वेशभूषा, भारतीय परंपरा, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, इसको वो प्रोटेक्ट और प्रमोट करता है। अरब के संस्कृति, अरब की भाषा, अरब की कल्चर, अरब की वेशभूषा को प्रोटेक्ट नहीं करता। इसीलिए जब हिजाब वाला केस गया था
तो कुछ लोग दलील दे रहे थे कि हिजाब, अगर हिजाब पे बैन हो रहा है तो मंगलसूत्र पे बैन करिए, सिंदूर पे बैन करिए, ये सब नहीं चलेगा। मंगलसूत्र पहनना, सिंदूर लगाना, हाथ में रक्षा पहनना, हाथ में चूड़ी पहनना, जनेऊ पहनना, ये भारतीय संस्कार है, ये भारतीय सभ्यता है, ये भारतीय परंपरा है, उसको भारत का संविधान प्रोटेक्ट करता है। और हिजाब, नकाब और बुरका ये अरब की संस्कृति है, अरब की सभ्यता है, अरब की वेशभूषा है, अरब की वेशभूषा को भारत का संविधान प्रोटेक्ट नहीं करता। ये लोग कुछ गलतफहमी है, इसको समझें इसको आप। तो उसी तरीके से ये जो विवाद है, काशी का है, मथुरा का है, भद्रकाली का है, भोजशाला का है, जौनपुर में अटाला का है, इसको मैं मुस्लिम भाइयों से कहूंगा कि उनको खुद उन मौलवियों से कहना चाहिए कि इस भारत में हजारों की संख्या में मस्जिदें हैं, नमाज पढ़ने की कोई कमी नहीं है, कम से कम जिनको बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, लोधी, शाहजहां तोड़ के गए हैं उनको वापस कर दीजिए, उससे भाईचारा बढ़ेगा। और अगर खुद वापस कर देंगे तो इससे भारत में बहुत भाईचारा प्रगाढ़ होगा, हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई कम होगी। वापस नहीं करेंगे और कोर्ट के जरिए फैसला होगा, जैसे राम मंदिर में हुआ, जैसे राम मंदिर का में फैसला हो गया, उसमें किसी का एहसान तो नहीं है, उससे भाईचारा कैसे बढ़ सकता है? भाईचारा तब बढ़ेगा जिन लोगों ने मंदिर पे जो तोड़ के मस्जिदें बनी है वहां अवैध कब्जा करके रखा, वो कब्जा छोड़ दें, कब्जा छोड़ के चले जाएं, तब तो भाईचारा बढ़ेगा। फिर लगेगा भैया ठीक है, देखो गलती किया था विदेशियों ने, आक्रांताओं ने, लेकिन ये सब अपने भाई हैं, इन्होंने कहा भाई ठीक है गलती जो उन्होंने आक्रांताओं ने किया उस गलती को कंटिन्यू नहीं करेंगे, आप एक काम करिए वापस ले लीजिए। और जो लोग इसको विरोध करते हैं, एएसआई का विरोध करते हैं, सर्वे का विरोध करते हैं, वीडियोग्राफी का विरोध कर रहे हैं, ये विरोध विरोध करके तो इनफैक्ट वो और ज्यादा एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि हाँ वो मंदिर था। जिनको मन में डाउट था ना, अब उनको क्लियर हो गया कि नहीं तो मंदिर है, ये वीडियोग्राफी क्यों नहीं होने दे रहे हैं, एएसआई का सर्वे क्यों नहीं होने दे रहे हैं। और आज के साइंस के युग में ये पता करना बहुत आसान है कि कौन सा ढांचा कितना पुराना है, ये भी पता किया जा सकता है कि उसकी जो नींव है वो कितनी पुरानी है और उसकी जो छत है वो कितनी पुरानी है। तो मुझे लगता है जहां जहां विवाद है उसको एएसआई को दे देना चाहिए, एएसआई सर्वे करके बता देगा कि भाई फाउंडेशन कब बनी, दीवार कब बनी और उसका गुंबद कब बना, क्योंकि मुगलों ने पूरा पूरा तो नहीं ढहाया, उन्होंने क्या किया, फाउंडेशन भी वही रहने दिया, दीवार भी वही रहने दिया, बस उस क्या किया, वो जो छत थी, वो छत जो अलग तरीके की थी उसको तोड़ के उन्होंने गोल उस पर गुंबद बना दिया, सिंपल इतना काम किया उन्होंने। तो ये बड़े आसानी से पता लगाया जा सकता है, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भाईचारा ये सब बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि ये प्लेसेस ऑफ रिस्पेक्ट खत्म हो और जहां जहां विवाद है वहां वैज्ञानिक जांच हो, एएसआई सर्वे करे, हर प्रकार से वीडियोग्राफी हो और जहां पे जिसका है उसको दे देना चाहिए। अगर किसी धार्मिक स्थान का जिक्र वेद पुराण में है उसको हिंदुओं को दे देना चाहिए, किसी धार्मिक स्थान का जिक्र अगर कुरान और हदीस में है उसको मुस्लिम्स को दे देना चाहिए, सबसे बढ़िया तरीका यही है। जय हिंद, जय भारत।